अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हफ्सा करते हैं कराची से। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कराची के राशन मिनहास रोड पर वाकया आला दीन पार्क और क्लब में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने आ गए। इसी हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं एसएम न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली। जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कराची के राशिद मनहास रोड पर अलादीन पार्क में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुजाहरीन आमने सामने आ गए। पुलिस ने मुजाहरीन को पीछे धकेलने की कोशिश की और इन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस शेलिंग भी की, जिससे कई अफराद जख्मी हो गए। तजावजात ऑपरेशन के दौरान मुजाहरीन और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। मुजाहरीन ने पुलिस अहलकारों पर पथराव कर दिया। लाठी चार्ज और पथराव के नतीजे में पुलिस अहलकार समेत कई अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने मतदद मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया। हंगामा आराई के बावजूद महकमा अंसदादे तजावजात ने हैवी मशीनरी के जरिए तजावजात को गिराना शुरू कर दिया। ट्रैफिक पुलिस का बताना है कि राशिद मनहास रोड पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान नीपा से जौहर मोड़ जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।